उत्तर प्रदेश में बीजेपी में इन दिनों काफी कुछ ऐसा घट रहा है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम नेता कहीं ना कहीं अब पार्टी के बचाव में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपस में भिड़ रहे थे, हालांकि आपसी विवाद इनके अभी भी नहीं सुलझे हैं। लेकिन जिस तरह से आलाकमान के निर्देश पर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की बात की गई है, उसी पर कहीं ना कहीं अब इनकी तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। अयोध्या के मारवाड़ी सेवा सदन में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में एक ऐसा वाकया हो गया जिसके बाद ये बीजेपी नेता बौखला गए, गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा इन्हें आ गया कि इन्होंने कहा कि उनकी बात क्यों करते हो, ये किनकी बात कर रहे हैं, आखिरकार बीजेपी नेता को किसका नाम सुन के इतना गुस्सा आया, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल प्रबुद्ध सम्मेलन में जब आपसी चर्चा चल रही थी तो उसी वक्त बीजेपी के नेताओं ने यह सवाल कर दिया कि समाजवादी पार्टी सपा और बसपा को कैसे टक्कर देंगे। बस इतना सवाल क्या था, इसके बाद तो बीजेपी के इस नेता को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की बात क्यों करते हो। आइए आपको बता देते हैं कि ये नेता कौन थे। ये नेता है स्वतंत्र देव सिंह, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी और बसपा का नाम सुन करके ऐसे गुस्सा आया कि वो खुद को रोक ना सके और उन्होंने तमाम ऐसी बातें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रख दी जिससे कि समाजवादी पार्टी और बसपा को लेकर उनके जहन में जो भी सवाल आ रहे हैं या फिर जो भी उनका आकर्षण उन पार्टियों की तरफ हो रहा है उससे उनका मन हट जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इन पार्टियों के राज में गुंडागर्दी का माहौल था वो सब अब ठीक हुआ है। इस तरह की तमाम दलीलें देने की स्वतंत्र देव सिंह ने काफी कोशिश की, लेकिन क्या वाकई में इस दलील से कार्यकर्ताओं को संतुष्टि हुई होगी, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह के सामने बीजेपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में समाजवादी पार्टी और बसपा का नाम सुनाई दिया, उससे ये तो पता चलता है कि अंदर खाने कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चाएं जोरों से हैं कि बीजेपी इस बार अपने विपक्ष को टक्कर आखिरकार कैसे दे पाएगी, कहीं बीजेपी कमजोर तो नहीं हो रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।